मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसने बहुत सारे उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे, देखता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली हाँ फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी यूएस स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। और अब आइसबर्ग से मिलता जुलता एक नाम हिंडनबर्ग सुर्खियों में है, जिसने अदानी ग्रुप के शेयरों को धड़ाम से डुबो दिया और गिरा दिया। हिंडनबर्ग, इसकी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट आने के बाद से ही अदानी ग्रुप के शेयरों में की बाजार में वैल्यू करीबन 4 लाख करोड़ रुपए घट गई। जी हाँ, सिर्फ 2 दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए। अदानी ग्रुप के एक से एक जबरदस्त कारोबार करने वाले शेयर भी बिकवाली के मुकाबले में ठहर नहीं पा रहे हैं और पूरे बाजार में इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ।